हे कैसे हो आप सारे, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने वीडियो का टॉपिक है एक रिव्यू वीडियो है। ये सारी रिव्यू वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक प्रोडक्ट, एक इंडियन फिटनेस ब्रांड का प्रोडक्ट, प्रोबस्ट जिस ब्रांड का नाम है और प्रोडक्ट है BCAA। ठीक है, BCAA का मतलब होता है ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो कि एसेंशियल हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, नहीं बनाती, सो वी हैव टू टेक देम बाय आर मील। तो हमें वो बाहर मील से लेने पड़ते हैं। ठीक, कितना चाहिए होता है दिन के अंदर, तो 5 से 20 ग्राम एक एडल्ट के लिए डेली रिक्वायरमेंट है BCAA की, जो कि बिल्कुल एक बैलेंस डाइट से कंप्लीट की जा सकती है। तो हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज अ डाइटिशियन ये मेरा आपको सजेशन है, पर फिर भी प्रोडक्ट है तो रिव्यू करना पड़ता है ऑन डिमांड। ओके, BCAA जो प्रोबस्ट का है वो 0.66 LBS का एक डब्बा आ रहा है, फोटो मैंने यहाँ लगा दी है। और वो डब्बा जिसको अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 300 ग्राम बनता है। 300 ग्राम का वो BCAA का जो बॉक्स है प्रोबस्ट का, बस इसी वेट के अंदर आ रहा है। और उसकी कीमत लगभग 899 रुपये है, और 899 क्या मतलब समझ सकते हो कि 900 रुपये है, 900 इंडियन रुपीज़ उसकी कीमत है। और उसके अंदर स्कूप आपको मिलता है, उस स्कूप की जो साइज़ है वो 6.5 ग्राम्स है, तो लगभग 46 दिन वो आपका चल जाएगा अगर आप डेली एक टाइम उसको लेते हैं। दो टाइम ले लो तो 46 को आधा कर दो, 23 दिन चलेगा वो। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलता क्या है, तो इसके अंदर आपको तीनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं और आपकी डेली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इनफ है। अगर आप एक स्कूप भी ले रहे हैं इनफ है। BCAA कब लेना चाहिए तो वो आपके कोच आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। फिर भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं आपको ये बता सकूं या आपको जानकारी चाहिए हो कि BCAA लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है उस तरह के बंदे के लिए जो जिम जाते हैं और वो जो जिम नहीं जाते, उन दोनों के लिए, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। नेक्स्ट, तीन तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हो सकता है आप जानते हो, नहीं जानते तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए, पर नाम मैं बता देता हूँ, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड देन वेलाइन। ठीक है, तो तीनों के काम क्या है, वेलाइन ऐसा अमीनो एसिड है जो आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन दोनों का काम करता है। ल्यूसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एमटोर बनाता है और एमटोर मसल बिल्डिंग में काम करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और आइसोल्यूसिन का काम है बिल्ड हो चुकी मसल्स को रिटेन करना, बचा कर रखना, मसल लॉस होने से बचाना। ओके, सिर्फ ये ही था। तो अब नेक्स्ट ये आता है, क्या ये प्रोडक्ट वर्थी है, क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। देखो, पहली बात, ये प्रोडक्ट अगर ये ब्रांड हो चाहे कोई भी ब्रांड हो, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा एज अ डाइटिशियन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल एक बैलेंस डाइट से, एक नॉर्मल प्रोटीन डाइट से भी अपने BCAA की डेली रिक्वायरमेंट 5 ग्राम से 20 ग्राम के बीच कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 1000 से 1500 रुपये इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1000 से 1500 रुपये अपनी डाइट पर लगा दीजिए, और आप इससे कई ज़्यादा अमाउंट विदाउट सप्लीमेंट नेचुरल डाइट से BCAA और एसेंशियल अमीनो एसिड्स ले पाएंगे, और साथ में पता नहीं कितने मल्टी विटामिन्स एंड प्रोटीन्स भी। ओके, तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, चाहे ये ब्रांड हो चाहे कोई सा ही ब्रांड हो, BCAA के लिए मेरे लिए से बिल्कुल ना है। एक डाइटिशियन होने के नाते, और किसी भी डाइटिशियन से आप पूछोगे या किसी भी फिटनेस पर्सनैलिटी जो कि इस फील्ड के अंदर अच्छे से काम करते हैं, ट्रू रिव्यूज़ देते हैं, वो बिल्कुल आपको मना कर देंगे। रिव्यू करना मेरा काम था क्योंकि मुझसे मांगा गया था ये रिव्यू, तो मैंने रिव्यू कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको BCAA की नॉलेज ज़्यादा नहीं है, जो आपको शायद फोर्स करते होंगे BCAA लेने के लिए, या शायद जिनके दिमाग में डाउट है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी इस तरह की वीडियोज़ लाने के लिए आपको, और जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।